टीवी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साधना बत्रा। वीकेंड पर हिमाचल की राजधानी शिमला में पर्यटकों का हुसूम उमड़ पड़ा है और ऐसे में रविवार को दुकानदारों ने सुबह ही दुकानें खोल दी, लेकिन यहाँ दुकानें खोलते ही पुलिस ने दुकानें बंद करवा दी, जिस पर दुकानदार भड़क गए और प्रशासन सरकार पर दुकानदारों को बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए गए। तो यहाँ दुकानदारों का साफ तौर पर आरोप यह है कि सरकार ने पर्यटकों को आने की अनुमति दे दी है और पर्यटन सीजन के दौरान दुकानें बंद करवाई जा रही हैं और जिससे नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। किस तरह से मानते हैं, जिस तरह से कोरोना था दुकान नुकसान है, हमें तो किसी तरह से भी राहत नहीं है। आज अब तो टूरिस्ट आना थोड़ा सा शुरू हुआ है। हम तो सुबह हमने पंजाब केसरी में न्यूज़ लगी हुई थी, उस हमने अपने वर्कर बुलाए, तो आज बुलाए हैं तो अब एक घंटे बाद पुलिस वाले आगे बंद करवाने हमारी दुकान। तो क्या डिमांड क्या है आप? सातों दिन खुली थी जी, दुकानें बंद होती थी पर वो लेबर एक्ट के तहत होती थी। अब जिस तरह बाज़ार काफ़ी समय बाद खुला है और टूरिस्ट भी काफ़ी आया है, हम देख सकते हैं महल रोड पे काफ़ी चहल पहल है, सारे होटल हमारे बुकड हैं, मतलब ओवरक्राउडेड है। कल ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी सब होटल की। इसी के चलते जो हमारी मॉल रोड की मार्केट है और हमारी जो लक्कड़ बाज़ार की मार्केट है, इस 100% टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसे में अचानक से दुकानें बंद करा देना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। हमारा मानना है कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के बीच तालमेल की कमी है। काफ़ी समय बाद मुझे लगता है कि वर्तमान जो सरकार है व्यापारियों के बिल्कुल खिलाफ है। काफ़ी समय बाद हमारे बाज़ार खुले हैं और आज इस तरह हमारे बाज़ार ये जो बंद कराए जा रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली हमारी जो ये इशू है वो लेबर एक्ट हमारा चलान हो सकता है। हमारे को वीकली अपने स्टाफ को एक छुट्टी देनी है, लेकिन सेम समय में जब हमारी दुकानें बंद थी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को घर में बैठ के भी सैलरी दी है। आज हमारा एम्प्लॉय भी हमारे से खुश है और हमारे लिए वो काम करना चाहता है, उसको पता है कि ऑलरेडी लाला नुकसान में है। अब मेरी दूसरी बात यह है कि क्या जो ये कोरोना है सिर्फ संडे को ही फैलेगा और सिर्फ दुकानदारों के माध्यम से फैलेगा? बाकी आप देखिए पूरे चहल पहल है, माल रोड पर टूरिस्ट घूम रहा है बिना मास्क के, उसके ऊपर किसी का भी कोई नहीं। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिले का स्वास्थ्य विभाग कोविड की तीसरी लहर के लिए अपनी तैयारियां कर रहा है। वहीं डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि कोविड की तीसरी लहर आने की संभावना है और बच्चों को महिलाओं को यहां तैयारियां बचाने की गई हैं। तो हमने साफ तौर पर डॉक्टर ने सीधे तौर पर कहा कि 28 बेड इस दौरान तैयार किए गए हैं ताकि सभी को यहाँ बचाया जा सके तीसरी लहर के लिए। कोविड का सेकेंड फेज चल रहा है, सेकेंड वेव चल रहा है और सामने थर्ड वेव आने का एक शंका है। तो सेकेंड वेव में जो फीमेल पेशेंट होगा या फिर कुछ बच्चे भी अफेक्टेड हो रहे हैं उनके लिए किया गया है और थर्ड वेव का तो एक आशंका है, तो तब ज़रूरत होगा तो इस प्लेटफॉर्म को काम में लगाया जाएगा। कुल मिला के 28 बेड्स है और ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली किया गया है फीमेल और चाइल्ड पेशेंट के लिए। यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन यहाँ चुनाव और सरकार को लेकर संभल में नेताओं की जुबान बेलगाम होने लगी है। इस यहाँ शहर विधायक इकबाल महमूद ने अपराधियों और मुसलमानों को उकसाने वाला बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि संभल में कुछ लोगों को सपा में शामिल करने के प्रोग्राम में विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि ना जाने कितने लोगों की जायदादों को जब्त कर लिया गया है, कितने लोगों के मकान को गिरा दिया गया है। अब समय आ गया है कि हमारे लिए नहीं ऐसे कौम के लिए बीजेपी को गिराना है। तमाम कितने लोगों के जायदादों को जब्त कर लिया गया, मालूम कितने लोगों के मकानों को गिरा दिया गया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। संभल के अंदर भी या चौबीस राय के अंदर गरीबों के मकान उखाड़ रहे थे, दुकानें उखाड़ रहे थे। हमने उनसे ये कहा कि पहले इनको तो रोजी रोटी से तो जोड़ दो, इन्हें मकान तो दे दो, रहने के लिए कहाँ जाएंगे अपने गरीब लोग। यही हमारा झगड़ा था, इसी पर हमें कहा था साथियों बहुत जुल्म हो रहा, अगर आपका वोट बिखराव आ गया तो इससे ज्यादा जुर्म आपके पास होगी आगे पास। उधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के पालम इलाके की शाद कॉलोनी में बाइक सवार लड़कों ने एक स्कूटी चला रहे लड़के को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। तो यहां उसके सर पर भी गंभीर चोटें आई हैं, मामला पुलिस तक पहुंच गया है, लेकिन यहां दिल्ली पुलिस ने इस वारदात को मामूली सी धाराओं में मारपीट कहकर रफा दफा कर दिया। खतरनाक जानलेवा हमले की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि गलती से एक स्कूटी के बाइक से टच होने के बाद वो बाइक सवार युवक स्कूटी सवार लड़की की जान लेने पर आमदा हो जाता है। दिल्ली के रहने वाले 22 साल के अनिकेत की स्कूटी आरोपी युवकों की बाइक से टच हो गई, जिस पर वो इतने बिफरे कि उसकी जान तक ले ली। इस घटना में दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही बरतने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सोनोली कोतवाली क्षेत्र के जुगोली गांव में शुक्रवार की शाम रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यहां छुरेबाजी तक हो गई, इसमें एक की मौत हो गई और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया। उधर डिप्टी SP कोमल प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि शेष बचे एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं और जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बीते दिनों जुगौली में जो एक हत्या का मामला हुआ था उससे संबंधित 6 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक अभियुक्त अब्दुल अहद की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिसके संबंध में पुलिस टीम बनाकर लगा दी गई है। अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही। आला कत्ल बरामद कर लिया गया। उत्तराखंड के देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। यहां STF ने पटेल नगर थाना क्षेत्र में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा है। आपको बताते चले, यहां 2 शातिर ठगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ठग अमेरिका के लोगों के कंप्यूटर पर गड़बड़ी का एक मैसेज भेजते थे, जिसे ठीक करने की एवज में उनसे पैसे ठगा करते थे। उनकी एक सहयोगी अमेरिका में भी रह रही थी। आपको बताते चले कि STF ने दून में 6 माह के भीतर इस तरह का 3रा कॉल सेंटर पकड़ा है। यहाँ DIG STF डॉक्टर निलेश आनंद भरने ने बताया कि पिछले दिनों पटेल नगर क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर को जानकारी मिली थी। तो यहां फर्जी कॉल सेंटर की जानकारी मिलने के बाद इस सूचना पर DSP STF की अगुवाई में गुरु राम राय PG कॉलेज के एक पास फ्लैट में छापा मारा गया। इसमें 2 युवक मौजूद थे। इस युवकों में से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये डेस्कटॉप और लैपटॉप से अमेरिका के लोगों के सिस्टम में खराबी का मैसेज भेजा करते थे और फिर ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस से अभी किया जा रहा है, जिसमें 2 व्यक्तियों को जो है वैभव गुप्ता और सूद खान, इनको जो है वो पटेल नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो है अन्य सामग्री, जो लैपटॉप, वायरलेस राउटर, पेन ड्राइव और जो सामग्री मिली है और उसमें से जो सॉफ्टवेयर और जो ऐप्स वगैरह ये चला रहे थे, तो उससे ये साफ तौर पे जो है वो साबित हुआ है कि ये बहुत बड़े लेवल का जो है साइबर फ्रॉड का रैकेट जो है इंटरनेशनल लेवल का यहाँ से चला रहे थे। तो ये उत्तराखंड पुलिस की जैसा पिछले समय से जो है लगातार हमारा इसका फोकस्ड एरिया रहा है, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन चला है तब से डिजिटल का जो है फ्रॉड्स बढ़े हैं इसमें निश्चित तौर पर। तो हमने इसको फोकस्ड एरिया बनाते हुए लगातार जो है STF की टीमें इस पर कार्य। और अब बच्चों के टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ आपको बताते चले कि कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि जाइडंस और कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है। तो यहाँ जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को यह टीका देना शुरू कर सकते हैं। और इससे पहले केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामे में कहा कि भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा विकसित की गई एक नई कोरोना वायरस वैक्सीन जल्द ही 12 से 18 साल के बच्चों के लिए आ जाएगी। वहीं पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स प्रोटीन आधारित वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण शुरू कर दिया है और कंपनी जुलाई से बच्चों के लिए नोवावैक्स क्लिनिकल टेस्ट भी शुरू कर देगी। हाल ही में जारी 3रे चरण के टेस्टों में कोवोवैक्स ने कोरोना के खिलाफ 90% असर दिखाया है। ये ट्रायल इनका करीब करीब खत्म हो गया है जहां तक हमें पता चला है। इसके रिजल्ट्स वगैरह को इकट्ठा करना और उसके बारे में अपना निर्णय में पहुंचने में 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम अपने बच्चों को भी 12 से 18 साल के बच्चों को। वही MP के उज्जैन की बात करें तो यहाँ पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है, जिसके चलते जिला अधीक्षक सतेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में पुलिस खाचरो थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जला में दबिश दी गई और यहां STOP अरविंद सिंह, थाना प्रभारी KP शुक्ला के दिशा निर्देश में पुलिस को गांव अर्जला में भेजा गया। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि कुछ पुलिस जवानों को भी चोटें आई हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर आता देख शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। गौरतलब है कि पुलिस ने मौके से बड़े पैमाने से महुआ से बना लहांस के ड्रम, 60 लीटर जहरीली कच्ची शराब और नकली शराब बनाने वाली सामग्री समेत 8 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले में 3 मुख्य आरोपियों के साथ अन्य के खिलाफ IPC विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर
सर, आज खासौद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करी है, एक कच्ची जहरीली शराब के ऊपर छापामार कार्रवाई करके जनता के जो आम जन के दुश्मन है, समाज के दुश्मनों को एक संदेश दिया है कि अवैध शराब माफिया जो है वो अपना काम बंद करे। किस तरह से आपने कार्रवाई करी और पुलिस पे भी कहीं पथरा हुए हैं, हमला हुआ स्टेट मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि खासौद थाने पे ग्राम हरजला में कई दिनों से अवैध शराब का चल रहा है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के निर्देशन में लगातार थाने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यक्रम में आज जानकारी मिली कि तीन व्यक्ति जो कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर चढ़ के अवैध शराब का परिवहन करने वाले हैं, जिन पर से हरजला गांव में हमने एक टीम को भेजा। वहाँ पर जब वो टीम पहुंची और उनकी गाड़ी को रोक कर उस पर तलाशी ली तो उस पर हमें करीब 60 लीटर जहरीली शराब मिली। जब उनसे और इसके बारे में पूछताछ की गई तो उसी गांव के करीब 10-15 लोग आ गए और वो वहाँ से उन्होंने इससे झुमा झटकी करी और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई। उसके बाद हमने तुरंत थाने और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक फैक्ट्री में नकली मोबिल ऑयल बनाने का मामला सामने है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा कि मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह नकली मोबिल ऑयल जिसकी कीमत 12 से 15 लाख रुपए है, ऑयल बनाने वाली मशीन को भी यहां बरामद कर लिया गया है और फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। हमारा एडिशनल एसपी वेस्ट और हमारा एएसपी चट्टा दोनों लोगों ने मिलकर एक बड़ा घटना वर्कआउट किया है। इस पर इन लोगों ने एक नकली मोबाइल ऑयल कंपनी का पूरा डिस्कवर किया है। उस पर वहाँ से मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार किया 11 लोग का। वहाँ पे जो पूरा मटेरियल्स जो नकली ऑयल है, जो जला हुआ मोबाइल ऑयल है, उसका साथ साथ उसका प्रोसेसिंग का इंस्ट्रूमेंट है, जो भी सामान है वो सब रिकवरी के मशीन जो यूज होती है, और उसके साथ साथ इन लोगों ने ये भी रिकवरी किया है वहाँ पे जो लेबल्स है, जो ब्रांडेड कंपनी के लेबल्स कैस्ट्रॉल हीरो इस तरह का लेबल्स भी उन्होंने रिकवरी किया है। इन लोग जो जला हुआ मोबाइल ऑयल का प्रोसेस करके ओरिजिनल ऑयल की तरफ मोबाइल ऑयल की तरफ बना के उस पर एकदम ब्रांडेड आइटम से डब्बा में भरा के लोग को सप्लाई करता, सोसाइटी में सप्लाई करता था। इसका पूरा केस को वर्कआउट किया हम लोगों ने। इस पे पुलिस ने मेन इसका सरगना है जिसान, ये चत्ता थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वो थोड़ा फरार है, और उसके साथ और साथी है फंगज, वो ही भी पकड़ा है। और इसके साथ साथ पुलिस ने जो वहां पे जो सप्लाई करने वाला, वहां प्रोसेस करने वाला लेबर्स सभी लोग का, और इसके साथ साथ ये मोबाइल ऑयल जला हुआ मोबाइल कहाँ से खरीद कर आता है वो भी लेके। उत्तराखंड की खटीमा में लगातार चोरी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में खटीमा पुलिस ने भी चोरों को पकड़ने के लिए कमर कस ली है, जिसका असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। दरअसल यहां खटीमा में 24 दिन पहले एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी जिसकी जांच पुलिस कर रही थी और ऐसे में पुलिस ने सख्ती भी बढ़ा रखी थी, लेकिन यहां बीते रोज पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताते चले कि पुलिस ने 24 पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल के साथ चोरी के आरोप में एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, यहां फिर से जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि बाजार चौकी प्रभारी पंकज मेहर ने नगर में से बाइक चोरी करने के आरोपी सतपाल धानू को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का यहां ये कहना है कि पुलिस लगातार सख्ती कर रही है और ऐसे चोरों को अब फिलहाल बख्शा नहीं जाएगा। एक वाहन चोरी हुई थी जिस संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के दिशा निर्देशन में एक कोतवाली खटिया में एक टीम का गठन किया गया था। ये वाहन चोरी जिसके तहत कल दिनांक 25/6/2021 को समय 18:15 पीलीभीत रोड पर एक युवक सतपाल धन को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से और यहाँ से चोरी हुई एक वाहन बरामद हुई है, उसको गिरफ्तार कर।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ निर्मम और क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सुतीला व्यवहार दिखाया जा रहा है, उनको सिर्फ कुर्सी का मोह है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ निर्मम और क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सौतेलापन दिखाया जा रहा है। पता नहीं छत्तीसगढ़ की भाजपा की मानसिकता शुरू से छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ क्यों रही। लगातार यहाँ के किसानों की जरूरत को अपने शासन काल में भी और वर्तमान में भी अनदेखी वो क्यों करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर हमला किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की विकल्प कांग्रेस पार्टी है और राज्य की जनता कांग्रेस को आशा भरी नजरों और विश्वास के साथ देख रही है। हमें भरोसा है कि 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। समझता हूं कि जो हालात और स्थिति है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, सरकार आने जा रही है, आज जहां कार्यकर्ताओं को जरूरत है, जिला पंचायत अध्यक्ष 12 जगहों पर आपके प्रत्याशी नामांकन नहीं दाखिल कर पाए, जिला पंचायत सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आपके पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो लोग अपने घरों से निकलकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को की आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, मैं समझता हूं ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब, खेत खलियान, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की लड़ाई कर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, किसानों के आवाज को लेकर, नौजवानों के बेरोजगारी के सवाल को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संघर्ष करे। कांग्रेस का कार्यकर्ता लाठी खा रहा, जेल जा रहा है। 5 विधायकों की पार्टी कांग्रेस पार्टी आज सरकार के खिलाफ, दमन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही है, लेकिन 48 विधायकों की पार्टी जो अपने आप को विपक्ष की पार्टी करती है। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।